मैं पैसे ही नहीं लेता, आई डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर माय फिल्म्स। अगर फिल्म, जो भी फिल्म धंधा करती है, पहले वो फिल्म के पैसे वापस जाते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस जाता है, cost. जितने लोगों ने, हाँ, जो कॉस्ट निकल गया है, व्हेन एवरीवन इज पेड एंड ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड, आई बिकम अ परसेंटेज इन प्रॉफिट्स। मुझे कोई चीज पसंद आ गई, कहानी पसंद आ गई, स्क्रिप्ट पसंद आ गई, मुझे करनी है। अब जब मुझे करनी है तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि यार ये जब बनेगी तो इसमें किसी के जो पैसे लगे उसका लॉस नहीं होना चाहिए, वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आई डोंट अलाउ द प्रोड्यूसर टू शोल्डर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फैक्ट। But that's a very unusual business model here, where the star is taking the responsibility for. Actually, them. It is the best business model. But that is not usual. No. I'm saying even practically. आप ये सोचिए कि मेरे करियर में आज तक किसी प्रोड्यूसर ने मेरे से लॉस नहीं किया। जाहिर है वो मुझे साइन करेंगे। यार आमिर के साथ काम करता हूँ, लॉस ही नहीं होता है। इससे बेटर बिजनेस आइडिया क्या हो सकता है? मैं ये इंश्योर करता हूँ कि भाई आपका लॉस नहीं होने वाला। It is the best business strategy. I don't do it for business strategy. I do it just because I feel that economically, what the reason I do it, I'll tell you. जब मैं फिल्म चुनता हूँ तो मुझे अक्सर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर सवाल नहीं करते कि आप भैया ये फिल्म जो चुन रहे हैं इसका नाम तारे जमीन पर है, इसमें एक बच्चा है, डिसलेक्सिक बच्चा है, कौन आएगा आपकी ये डिसलेक्सिक बच्चे की फिल्म देखने के लिए? दे डोंट क्वेश्चन मी। जैसे कि आपको जो बनाना है बनाइए, वी ट्रस्ट यू। जब वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उसको लेट डाउन कैसे कर सकता हूँ? जिम्मेदारी मेरी बनती है। उसने, मैंने जम्मू सुगंध जब फाइनेंस कर रहे थे लगान, जिम्मेदारी मेरी थी। लगान उस वक्त बहुत कीमती फिल्म थी, मतलब उस दौर में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स, और इट वाज ब्रेकिंग, एज जावेद साहब पॉइंटेड आउट टू अस इन ग्रेट डिटेल, इट वाज ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा, मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा एट दैट टाइम। बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी कि भैया ये पैसे, इसको जितने, जित लोगों ने पैसे लगाए हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, एग्जीबिटर हो, प्रोड्यूसर हो, फाइनेंसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर हो, एग्जीबिटर हो, डाउन द लाइन पीपल शुड अर्न मनी। ओनली देन विल द बिजनेस प्रॉस्पर ऑन द होल, एंड ओनली देन विल आई बिलीव इन द ओल्ड एज ओल्ड तरीका ऑफ अर्निंग मनी। आई एम अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आई कम अंडर द सेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का सबसे पुराना दस्तूर यह था कि आप सड़क पर कुछ भी करतब करते थे या कुछ भी अपना हुनर दिखाते थे, और उसके बाद आप टोपी निकाल के सबके पास जाते थे कि भैया आपको अच्छा लगा तो इसमें डाल दो। कुछ लोग डालते थे, कुछ लोग नहीं डालते थे। मेरा मॉडल एक्चुअली वही है, एग्जैक्टली मेरा मॉडल है वही मॉडल। मैं पैसे लेना तो मैंने बंद कर दिया ना अप फ्रंट टोटली, मैं पैसे ही नहीं लेता। आई डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर माई फिल्म। अगर फिल्म, जो भी फिल्म धंधा करती है, पहले वो फिल्म के पैसे वापस जाते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस जाता है, cost. जितने लोगों ने, हाँ, जो कॉस्ट निकल गया है, When everyone is paid and all costs are recovered, I become a percentage in profits. तो अगर फिल्म अच्छी नहीं चली और नहीं अच्छी बनी तो मैं नहीं कमाऊंगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा, वो मुझे, I feel responsible for that in some way. So I don't want that.